वाले नीरज चोपड़ा द्वारा फाइनल में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है, जिसके चलते आज रोड सभा के तत्वाधान में करनाल की रोड धर्मशाला में जोरदार जश्न मनाया गया, जिसमें सभा के प्रधान नसीब सिंह, कारसा सुरजीत सिंह, सुबरी व अन्य पदाधिकारी व रोड समाज के लोगों द्वारा ढोल नगाड़े बजाकर व लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर नसीब सिंह प्रधान रोड महासभा ने कहा कि दमा की ओर से बिरादरी के जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लेकर आए हैं उनको सम्मान राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। यहां हम आपको बता दें कि पूरे टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया, परंतु जैवलिन थ्रो में भारत के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा द्वारा गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जिसका पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। नीरज चोपड़ा द्वारा पहले भी भारत के लिए मेडल लाए गए हैं, परंतु यह गोल्ड मेडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए करनाल के रोड भवन के सामने नीरज चोपड़ा द्वारा गोल्ड मेडल जीतने के बाद की तस्वीरें। नीरज चोपड़ा के गोल्ड लाने की खुशी में होली और दिवाली इकट्ठी मना रहा है, हर बंदा खुश है, बच्चा बच्चा खुश है, और नीरज चोपड़ा के गोल्ड लेकर के आने से गांव-गांव में गली गली में ये प्रेरणा जगी है कि हर बच्चा आज खेल की ओर भागेगा और अगली बार अगले जो ओलंपिक होने वाले हैं पेरिस में उसमें गोल्ड की बारिश करेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। टोक्यो ओलंपिक में कोई भी गोल्ड नहीं लेके आया सिर्फ नीरज को छोड़कर, क्या कहना चाहेंगे? ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रेरणा की कमी है, कहीं ना कहीं हमारी नीतियों में खामी है, और भविष्य में इस प्रकार की नीतियां बने, सरकार से मेरी ये मांग है कि वो खेलों को प्रोत्साहन दें, खेलों को बढ़ावा दें, ताकि बच्चे खेलों की तरफ प्रेरित हों, उन्मुख हों और खेलों में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और खेलों में अपनी भागीदारीता दर्ज करा करके गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की बारिश कर दें। पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे जिला करनाल के लिए, पूरे गांव के लिए आज एक गर्व का दिन है कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लेकर के आया, और छोटे ही गांव से गरीब आदमी इतनी कड़ी मेहनत करके और ऐसे हालात से इस मुकाम पर पहुंचा है, आज पूरे देश को और पूरे समाज को गर्व होना चाहिए। इसी बात को लेकर के आज रोड महासभा ने यहाँ पे प्रोग्राम कराया। एडवांस में हमने खुशी जाहिर कर ली थी कि पक्का 101% गोल्ड लेकर के आएगा, कि उसकी जो शुरू में जो ट्रायल थी उसमें भी सबसे टॉप निकल के आया था, पहले जो पूरे देश को पहले से ही पता था भी हमारा गोल्ड 101% आएगा। करनाल में भी खुशी मनाई गई। आज करनाल में सुबह से हम इस इंतजार में थे भी कब 4:30 बजे, और हम खुशी के साथ नाचे और खुशी के साथ ढोल बजाएं। पूरे करनाल जिले का भी, पूरे देश का भी एक बहुत बड़ा गौरव की बात है आज समाज के अंदर, कि हमारे समाज के अंदर दो साथियों ने इवेंट में लिया, एक हॉकी के अंदर सुरेंद्र पालड़, वो भी एक ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आया हॉकी में, हमारे समाज के लिए भी और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। नसीब सिंह कारसा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड महासभा। आज हमारी कार्यकारिणी की एक बैठक हुई थी, उसमें तय हुआ जो भी साथी गोल्ड मेडल लेकर के आएगा उसको 5,11,000 रुपये फर्स्ट इनाम दिया जाएगा, और सिल्वर मेडल के लिए 3,11,000 और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 2,11,000। इसी तरह जो भी साथी किस तरह की कोई भी इवेंट होगी हर साथी को हम पूरा सहयोग करने का कोशिश करेंगे। देखिए ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, ये हमारे पूरे करनाल जिले नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है। देश के लिए पहला मेडल आज जो गोल्ड के रूप में हमारे प्राप्त हुआ है वो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें हमारे समाज का लड़का है वो, लेकिन ये अब समाज की बात रहती है, पूरे देश की बात है, और ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है जिसने विदेश में जाकर हमारा झंडा ऊँचा किया है। और इसी के साथ हमारे करनाल जिले का एक और लड़का है सुरेंद्र पालड़, जो बुराना गाँव से है, जो इंडिया हॉकी के वाइस कैप्टन भी हैं, उन्होंने भी मेडल लेके आए हैं, और उन दोनों को हम सम्मानित करने का काम करेंगे, और जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि उनको धनराशि से प्रोत्साहन करेंगे और वैसे ही प्रोत्साहित करेंगे, और खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल अकादमी का भी शुरू करेंगे। अंशुल चौधरी, एडवोकेट करना। एक मिनट उसको बंद करिए। खुशी हो रही है, नीरज चोपड़ा का पहला गोल्ड मेडल आया। एक मिनट इसको बंद करिए। बहुत ही गर्व की बात है, आज नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर के आया, और पूरे देश को और पूरी कौम को और पूरे हरियाणा को और पूरे गांव को इस पर गर्व है, इस बात का भी, पहला गोल्ड हमारे देश का टोक्यो के अंदर लेकर के नीरज चोपड़ा लेकर के आया।
और आज ही रोड महासभा की एक मीटिंग भी थी, हमने जो भी गोल्ड और ब्रोंजन या सिल्वर मेडल लेकर खेला उनके लिए हमने एक राशि तय की है, क्योंकि हमारे समाज से दो आदमी आपकी बार इवेंट के लिए गए थे, दोनों अपना अपना गोल्ड लेकर के आए। आज बहुत ही खुशी की पल है, इसी इतनी हम जाहिर नहीं कर सकते, इतनी खुशी अपने मन मन में हो रही है। एक छोटे से गाँव से, एक छोटे गरीब से बच्चा एक इस तरह मेहनत कर करके और इतने बड़े पद पर पहुंचा और पूरे देश को, पूरे मान को, पूरे गौरव को अच्छे पूरे समाज को इस समय बहुत बड़ी बात। महासभा से राजकुमार है, राजकुमार जी आप भी खिलाड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कमल जी, जैसा कि आपने, हाँ इतना आसान नहीं होता। एक सेकंड के लिए समझ आऊंगा।